हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम कर रहे थे सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्यूशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए पहला मेथड हमने किया था। कौन सा किया था बेटा? वेरिएबल सेपरेबल, यही किया है हमने पहला मेथड। सेकंड मेथड अब हमने करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तीन तरीके से है हमारे सिलेबस में प्लस टू में। पहला वेरिएबल सेपरेबल। अब ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्या देखिए, इस पे पहला मेथड लग रहा है कि एक्स वाले एक तरफ इकट्ठे हो जाएं, वाई वाले एक तरफ। देखिए जैसे मर्जी ये रीअरेंजमेंट कर लीजिए, एक्स वाले कभी इधर इकट्ठे नहीं होंगे, वाई वाले इधर इकट्ठे नहीं होंगे। इट मीन्स ये पहला मेथड तो इस पे लगेगा नहीं, दैट इज़ वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करना है। फिर हमने सेकेंड ट्राई करना है जी होमोजीनियस। उसको कैसे ट्राई करना है, आई रिपीट, पहले आपको जब भी ये टॉपिक आपको तब समझ आएगा अगर आपको इंटीग्रेशन आती है। अगर इंटीग्रेशन नहीं आती तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए होमोजीनियस में क्या करना है, हमने पहले डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखो, इसको इधर ले गया, इसको उधर, ये देखिए ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स। सबसे पहले हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है जी। निकालने के बाद हमने ऊपर वाले की डिग्री देखनी है। देखो ऊपर वाले की डिग्री सेम है, इसकी डिग्री टू है प्लस इसकी भी डिग्री टू है। होमोजीनियस कहता है कि ऊपर वाले की डिग्री आपस में सेम हो, नीचे वाले की आपस में, देखिए नीचे वाले यहाँ पे टू है, ये इसकी भी वन प्लस वन एंड वन टू है। ऊपर वाले की डिग्री आपस में सेम है, नीचे वाले की आपस में सेम है, ये होमोजीनियस है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन होता, सपोज कर लीजिए ये होता, तो ऊपर वाले की डिग्री इसकी भी वन, इसकी भी वन, नीचे वाले की इसकी भी टू, इसकी भी टू, ये भी होमोजीनियस थे। अगर ये क्वेश्चन होता, अब देखिए नीचे वाले की तो डिग्री आपस में सेम है, ऊपर वाले की इसकी डिग्री वन, इसकी डिग्री वन, इसकी तो डिग्री ज़ीरो होती है, ये डिग्री सेम नहीं है, दिस इज़ नॉट होमोजीनियस। मतलब कि ऊपर वाले की डिग्री आपस में सेम हो, अगर एक ही नंबर है तो डिग्री निकालनी नहीं है, जैसे ये है। अब देखिए ऊपर वाला तो एक ही नंबर है, इसकी डिग्री जितनी मर्जी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाले की या बीच में प्लस है, एक नंबर ये है, एक ये है, इसकी डिग्री टू है, इसकी डिग्री टू है, सेम है, दिस इज़ होमोजीनियस है, ठीक है बेटा। मतलब कि जब भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करो, अगर वो नहीं है तो होमोजीनियस ट्राई करो। सेकेंड स्टेप है होमोजीनियस। उसके लिए क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको इधर ले जाओ, इसको हमेशा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर देखना है कि ऊपर वाले की डिग्री सेम है, सेम है, नीचे वाले की आपस में सेम है, तो ये होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो ये मेथड है, तो हमेशा पुट करना है y को vx, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो। देखो क्या बनेगा, dy वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड एज इट इज़, फर्स्ट का y का v का होता है dy वाई ओवर डी एक्स। ये आपने याद रखना है, जब भी होमोजीनियस है या तो y को vx एक्स पुट करो या x को vy, अपनी मर्जी हो, v इज वेरिएबल, हमेशा ये याद रखना है। ये पुट करना है यहाँ पे, जब भी इसमें पुट करेंगे ये फर्स्ट टाइप वेरिएबल सेपरेबल पक्का बनेगी। उसके बाद हमारा पुरानी एक्सरसाइज 9.4 देखें, y को ये पुट किया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, इधर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, वाई के स्केयर की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी, ये आ गया नीचे एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या है, वी एक्स। अब इसको पुट करके इतने के बाद सिंप्लीफाई करो, पक्का वेरिएबल सेपरेबल बननी ही चाहिए। अगर नहीं बन रही तो या तो ये वेरिएबल सेपरेबल, या तो ये होमोजीनियस नहीं थी, ये हमने गलत लिखा है, या कैलकुलेशन गलत है। अब देखिए ऊपर एक्स स्केयर है, नीचे एक्स स्केयर कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, ये बनो। अब इसको देखो वेरिएबल सेपरेबल मन बनती है, v वाले एक तरफ इकट्ठे करो, इसको उधर ले गया, ये बनो। अब देखिए क्या v वाले इकट्ठे होते हैं, अगर चलो इसका मैं LCM ले लूं, ये कैंसल। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल होता है, इसको ले गया मैं उधर,
वी वाला एक तरफ ले गया, वन प्लस वी ओवर वन माइनस वी, जो डी एक्स है उधर ले गया, डी एक्स ये एक्स नीचे ले गया। देखो वेरिएबल सेपरेबल पक्का बनेगा जी, ठीक है, मतलब कि जब भी होमोजीनियस है तो ये पुट करना है, y को ये, डी वाई ओवर डी एक्स को ये, यहाँ पे पुट करो, सिंप्लीफाई करो, पक्का v वाले एक तरफ होंगे, x वाले एक तरफ, अगर सेपरेट हो गए उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना, ये आपको आती है, इसकी ये होमवर्क है, इंटीग्रेशन करके वो हमारा आंसर है। एंड में v की वैल्यू जरूर पुट करनी है, v की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, y ओवर x, ये एंड में v की जगह पे पुट करना है आप। क्लियर है बेटा, देखो समझ आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, तीन क्वेश्चन इस टाइप के करवाऊंगा, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो इसको सॉल्व करना है, क्या ये पहले नंबर पे आपने ट्राई करना है, ये वेरिएबल सेपरेबल है, ट्राई करके देख लो, एक्स एंड वाई अलग अलग नहीं होंगे कभी भी, कि वाई वाला एक तरफ एक्स तरफ एक तरफ कभी नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जितना मर्जी कोशिश कर लो नहीं होगा। फिर सेकेंड देखना है हमने, होमोजीनियस है, होमोजीनियस कैसे देखना है, पहले तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, वो कुदरती पढ़ाई है। तो होमोजीनियस का क्या तरीका था, ऊपर वाले की डिग्री आपस में सेम, बीच में प्लस है, ऊपर वाले की सेम है, नीचे तो नंबर ही एक है, ये पक्का होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस है तो पुट करना है वाई को वी एक्स, एंड डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या लिखना है, वी प्लस, ये फिक्स है जी, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ये पक्का वेरिएबल सेपरेबल बनेगा, देखो बन रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स की ये वैल्यू है, वाई की वैल्यू वी एक्स है, देखो इसमें कॉमन निकाला, एक्स कॉमन निकाल के कैंसल हो गया, अब देखो क्या वी वाले सेपरेट हो रहे हैं, एक्स वाले हो रहे हैं, ये वी से वी तो कैंसल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पक्का वेरिएबल सेपरेबल बनना चाहिए, देखो एक्स वाले अलग हो गए, वाई वाले अलग हो गए, सेपरेट हो रहे हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये तो इजी है, मैं आप ही कर देता हूँ, डी वी की वी वन ओवर एक्स की होती है लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है जी। एंड में यहाँ से वी की वैल्यू की क्या वैल्यू आई, वी की वैल्यू है वाई ओवर एक्स, इसको यहाँ पे पुट करना है बेटा, बहुत इजी है, बस सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी सोल्यूशन का क्वेश्चन आ जाए पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करना है, अगर ये ना बना तो फिर हमने सेकंड मेथड है होमोजीनियस ट्राई करना है, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लो मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया, अब देखिए पहले नंबर पे इसको भी सॉल्व करना है, पहले वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, एक्स एंड वाई अलग अलग नहीं होगा, फिर देखिए ये होमोजीनियस बन रहा है, होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे, पहले यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, पहले इसको इधर ले गए, ये बना, ठीक है जी, अब डी एक्स के इधर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर इधर ये बना, देखो डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया, अब देखो ऊपर वाले की डिग्री आपस में सेम है, बीच में प्लस है, इसकी डिग्री अगर टू है तो इसकी भी टू होनी चाहिए है, नीचे तो नंबर ही एक है, होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस है तो क्या मेथड था, वाई को वी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स को हमने ये पुट करना है, पुट करके पक्का वेरिएबल सेपरेबल बननी चाहिए, देखो बन रहा है डी वाई ओवर, अगर नहीं बन रहा तो या तो आपने होमोजीनियस गलत चेक की है, ठीक है, या फिर आपकी कैलकुलेशन गलत है, देखिए ये पुट किया, ब्रैकेट ओपन की, एक्स स्क्वायर कॉमन आके कैंसल हुआ, इसको इधर ले गए, देखो अब सेपरेट हो रहा है, ये v वाले इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, dx उधर, यहाँ x मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, अब देखो दोनों तरफ सेपरेट हो गया जी, अब ये आपके लिए होमवर्क है, इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, दैट इज़ दी रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी। लो बेटा इन नाल थोड़ी आपकी 9.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की पक्की हो जाएगी, दैट इज़ होमोजीनियस, ठीक है, पहले हमेशा वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करना है, अगर वो ना बने देन आपने क्या करना है, होमोजीनियस ट्राई करना है, इसकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है जी, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस।